Dear students, today we are going to read fourth lesson of fifth class. So today we are going to read the remaining part of this lesson. The first part of this lesson we have already read in last video. So today we are going to start rules. D तक हम पहले read कर चुके हैं. So let's start from E. E में क्या करना है? If a noun ends in F or FE, F और FE is changed into VES. यानी कि अगर किसी noun के पीछे, किसी word के पीछे last में F होता है या फिर FE होता है, तो आपको उसको F और FE को चेंज करना है VES में. पर F को वहाँ से आप ख़त्म कर दोगे. F यानी कि हमें बिल्कुल वहाँ से डिलीट करना है और उसकी जगह पे VES का यूज़ करेंगे. जैसे लीफ का हमने कर दिया लीव्स LEA, और F को हमने वहाँ से डिलीट किया तो VES यूज किया. ऐसे ही नेक्स्ट वुल्फ, वुल्फ में भी हमने ऐसे ही एफ को वहाँ से डिसपियर किया और वहाँ पे वी ई एस का यूज किया. ऐसे लाइफ, लेकिन इसमें कुछ है जो एक्सेप्शन होते हैं. जैसे चीफ है, चीफ में हमें लास्ट में एफ आता है, बल्कि यहाँ पे हमने एफ को बिल्कुल डिलीट नहीं करना, एफ भी ऐसे रखना, साथ में एस लगा के इसको प्लूरल कर सकते हैं. ऐसे ही हैंडकर चीफ, यानी कि ये दो है जो एक्सेप्शन है यहाँ से इस रूल से. नेक्स्ट रूल है एफ. एफ में क्या करना होगा आपको? इफ़ अ नाउन एंड्स इन ओ वी एड ई एस टू ई टू मेक इट प्लूरल. यानी कि अगर कोई हमारा सिंगुलर नाउन है, हम इसको प्लूरल बनाना, और लास्ट में जब हमारा जो वर्ड है वो क्लोज होता है, लास्ट में जो ओ ओ लेटर हमारा आता है, तो उसको हमें क्या करना है, वो ओ वैसे का वैसा रखना और साथ में ई और एस हमने अटैच करना है, तब जाके हमारा वो प्लूरल बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल टमाटो, टमाटो में हमने ई एस और यूज़ किया तो टमाटोज बना. ऐसे पोटैटो, पोटैटो में भी हमने ई एस को यूज़ किया तो हमारा पोटैटो बन गया. नेक्स्ट रूल नंबर जी, सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन देयर प्लूरल फॉर्म. यानी कि कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर में भी ऐसे यूज होते हैं, प्लूरल में भी ऐसे यूज होते हैं, उसमें नो चेंज होता है. जैसे सिप, सिप ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर चाहे वो प्लूरल. ऐसे डियर सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, वो डियर का डियर ही रहेगा. कुछ और एग्जांपल ऐसे ही होते हैं, वो आप जैसे एक्सरसाइज करोगे उस टाइम आप देख सकते हैं. नेक्स्ट एच, सम नाउन्स आर मेड प्लूरल इन एन अरेगुलर मैनर. यानी कि उनका कोई रूल नहीं होता, वो हमारी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, हमारी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, उनको हमें वैसे प्लूरल बनाना होता है. जैसे टूथ, टूथ का हमें टीथ बनाना होता है, यानी कि डबल ओ को रिप्लेस करके हमें वहाँ पे डबल ई का यूज़ करना होगा. ऐसे फुट, फुट का हमने फिट बनाना है तो डबल ओ को डबल ई में हम चेंज करते हैं. नेक्स्ट ऑक्स, ऑक्स का बनेगा ऑक्शन. जैसे माउस है, माउस सिंगुलर तो माइस है जो उसका प्लूरल हो जाएगा. नेक्स्ट रूल आई, आई में क्या करना है? वी एड एस टू सम कंपाउंड नाउन टू मेक दैम प्लूर. यानी कि कंपाउंड होते हैं, जैसे ब्रदर इन ला, फादर इन ला, सन इन ला. हमें इसमें क्या करना होता है कि जब हम चेंज करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट होता है, जैसे ब्रदर है, फादर है, सन है, तो उसके साथ हमने ए अटैच करनी है, और सॉरी एस अटैच करनी है, और इन और ला को वैसे का वैसे रखना है. जैसे ब्रदर इन ला का बन जाएगा ब्रदर्स इन ला, जैसे फादर इन ला, फादर्स इन ला, सन इन ला का सन्स इन ला. नाउ डिस्कस यूर होमवर्क. जैसे हमारे ए और बी हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, नाउ वी डिस्कस अबाउट सी एंड डी. सी में क्या करना है कि चेंज द फॉलोइंग प्लूरल स्टेटमेंट इनटू सिंगुलर. यानी कि यहाँ पर पहले ही आपको प्लूरल दिया गया है, आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको सिंगुलर बनाना है. द हाउसेस इन दिस एरिया हैव ग्रे रूफ्स. तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? द हाउस इन दिस एरिया हैज, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हमने हैज सिंगुलर के लिए यूज करना, ग्रे रूफ. ऐसे बनाना है. जैसे बी, बॉयज़ वर हियरिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन रेडियो. तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे? बॉय वॉज हियरिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन द रेडियो. यानी कि ऐसे ही नेक्स्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे प्लूरल में दिया वो आपको सिंगुलर में करनी होगी. नेक्स्ट डी, फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैक्स. यानी कि ब्रैक्स में आपकी जो ये वर्ड दिए हैं, वहाँ से दो में से वन जो करेक्ट है वो चूज करके आप फिल करना है. देयर डैश अ बुक ऑन द टेबल. अ बुक मीन्स सिंगुलर. सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ईच. द मंकीज, मंकीज किसको डिनोट कर रहा है? प्लूरल को, तो हम यहाँ से आर यूज़ करेंगे. ऐसे ही नेक्स्ट टू है जो आपको यहाँ से ट्राई करके इनको कंप्लीट करना है. सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.